हमारी छुई नहीं गई है। कानपुर के चकेरी के कोयला नगर स्थित स्वर्ण जयंती विहार में रहने वाले अधिवक्ता के घर देर रात चोरों ने सेंध लगाकर 5 लाख के जेवर सहित 1 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह अधिवक्ता के जगने पर घर में चोरी हो जाने की जानकारी हुई, जिसके बाद अधिवक्ता ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता ने बताया कि कल शुक्रवार देर रात को वो अपने परिवार के साथ लगभग 10 बजे खाना खाकर सोने के लिए चले गए थे, जिसके बाद सुबह उन्हें जगने पर घर में चोरी हो जाने की जानकारी हुई। कल रात करीब हमारे घर में अज्ञात चोरों द्वारा हमारे घर में चोरी कर ली गई, जिसमें हमारा करीब 3-4 लाख रुपए का जेवर और करीब 1 लाख रुपए नकदी जो घर में रखी हुई थी वो चोरी हो गया पूरा सामान। यहाँ पे क्या पुलिस की गश्त नहीं पड़ती है आपके घर पे? पुलिस की गश्त पता नहीं होती है नहीं होती, हम लोग तो कभी देखते नहीं पुलिस की गश्त क्या होती है, पर जिस तरह घटना हुई इससे यह अंदाजा लगता है कि पुलिस की नाकामी इसमें है, साफ समझ जाती है। वहीं उन्होंने बताया कि चोर घर से लगभग 5 लाख के जेवर सहित घर में रखे 1 लाख रुपए नकद भी चोरी कर ले गए, जिसके बाद अधिवक्ता ने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चकेरी में आए दिन हो रही चोरियों से पुलिस पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। वहीं चकेरी पुलिस रात्रि गश्त के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती नजर आ रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।